नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरारी श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं एंटेकोपीडिया का एक नया वीडियो। मेरे पुराने वीडियोस पे अपना प्यार और समर्थन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनको मैं सर्च कर रहा था और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कहा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर आखिर वीडियो बना ही दिया जाए। तो ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आने वाला है और इससे आपको एक क्लियरिटी भी मिलेगी कि हम लोग फंस जाते हैं जब दो बड़ी कंपनीज टेलीकॉम कंपनीज कोई ऑफर देती हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि किन किन चीज़ों को कंपेयर करें। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करूंगा, उसके बाद एक फाइनल ओपिनियन हम लोग निकालेंगे और उसके बाद अगर वो आपको पसंद आता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं और जो आपको खरीदना है उसके साथ खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं भी एनालिटिक्स देख रहा था कुछ दिन पहले, तो मेरे वीडियोज़ जो लोग देखते हैं उसमें 80-90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अपना प्यार बरसाओ यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, इससे सपोर्ट मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पिछले साल सितंबर के आसपास जियो ने भी अपना फाइबर लॉन्च किया और उसके लगभग एक महीने के आसपास ही एयरटेल ने भी अपना फाइबर लॉन्च कर दिया। उससे पहले एयरटेल का स्मार्ट टीवी था, उससे एक साल पहले भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसका नेगेटिव पॉइंट में चली गई थी क्योंकि जो एयरटेल ने अपना स्मार्ट टीवी बताया था उसमें कुछ खास नहीं था। उसमें ये था कि जो भी वो वीडियोस दे रहे हैं, जो भी उनके मूवीज़ दे रहे हैं, उनका क्वालिटी बहुत पुअर था। मतलब 480 पिक्सल भी क्वालिटी नहीं थी और बहुत ही गंदी क्वालिटी में वीडियो आ रही थी और बहुत ही बेकार सा सिस्टम था और 7,999 रुपये का वो एक सेटअप दे रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद अगले साल, मतलब पिछले साल उस सेटअप के बाद जो लॉन्च के अगले साल यानी 2019 में उसको एक नए तरीके से और नए नाम के साथ लॉन्च किया, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, उसको एक्सट्रीम नाम दिया। फिर उसके बाद जियो से टक्कर लेने के लिए फाइबर भी लाए और सारी चीज़ें शुरू की। तो 3,999 रुपए का जो उनका प्लान है उसके साथ मुझे लगता है क्वालिटी से ज़्यादा, क्वांटिटी से ज़्यादा उन्होंने ध्यान इस चीज़ पे दिया है कि हम कस्टमर्स को कैसे कैसे लुभा सकते हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा है कि मतलब कस्टमर्स की नीड क्या है। मतलब फास्ट इंटरनेट नीड है, OTT नीड है, कि क्वालिटी नीड है, कि आप TV नीड है। मतलब वो उन्होंने ये चीज़ नहीं देखा है। उन्होंने ये कोशिश की है कि कैसे हम कस्टमर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास लाएं और वो जियो से कंपैरिजन करना चाहते हैं। जबकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जियो अपने आप में ही पूरा एक दुनिया लेके चलती है अपने फाइबर में। उसमें आप गेमिंग कर सकते हो, उसमें आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, उसमें आप कॉलिंग कर सकते हो, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एयरटेल इतना ज़्यादा आपको स्कोप नहीं देता है, इसीलिए एयरटेल इन सब मामलों में पीछे हट जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एयरटेल के साथ जिसकी वजह से उसको नुकसान झेलना पड़ता है। इतना ज़्यादा कुछ करने के बाद भी उसको नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे एयरटेल ने, अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चल के, कि एयरटेल ने जियो से काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स में जियो से भी बेहतर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि आपको 3 महीने का नेटफ्लिक्स मिलेगा, 12 महीने का अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, Z5 और एयरटेल एक्सट्रीम ऐप्स का तो मतलब अनलिमिटेड है। एयरटेल एक्सट्रीम ऐप्स में भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। और जो उन्होंने बोल रखा है कि हम आपको HD मूवीज़ देंगे, उसमें भी HD देंगे, उसमें भी 15-16 चैनल ही हैं HD के गिन चुन के। तो बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक मैंने कंपैरिजन तैयार किया है, तो कंपैरिजन के बाद जैसा आपको लगेगा वैसा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ कमी लगे, कमी बेसी हो तो भी मुझे बताइएगा, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे वो भी मुझे बताइएगा, कुछ सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले मैंने खोल लिया है एयरटेल फाइबर के बारे में। तो यानी एयरटेल फाइबर के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यार, एयरटेल फाइबर का जो मंथली प्लान है वो 4 कैटेगरी में आता है आपका। पहली कैटेगरी है आपकी बेसिक, दूसरी आती है आपकी इंटरटेनमेंट कैटेगरी, तीसरी आती है आपकी प्रीमियम और चौथी आपकी आती है VIP कैटेगरी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स की कैटेगरी आ जाती है आपकी। तो जो सबसे कम एक्सपेंसिव है यानी जो बेसिक प्लान है आपका, वो आता है आपका 799 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और इस प्लान पे आपको 150 GB इंटरनेट मिलेगा और स्पीड उसकी क्या होगी, 100 MBPS तक की स्पीड होगी। और इसके साथ ही साथ एयरटेल थैंक्स का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, जिसमें एयरटेल एक्सट्रीम
एयरटेल एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन आपको साथ में मिल जाएगा। अब एयरटेल एक्सट्रीम में कितनी अच्छी चीज़ें हैं कितनी बुरी चीज़ें आप सब जानते हो, तो मुझे उसके लिए कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी इनका सबसे महंगा है यानी VIP प्लान जो है इनका, वो आता है आपका 3,999 रुपये में, जिसके तहत VIP प्लान मिलता है। और उसमें आपको एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो मिलती है अनलिमिटेड डेटा। डेटा आपको अनलिमिटेड मिलेगा और स्पीड आपकी रहेगी 1 GB/s तक। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में एयरटेल फाइबर का नेटवर्किंग कैसी है, वो उनकी स्पीड 1 GB/s तो इनकी मैक्सिमम स्पीड हो गई, मैंने आपको बिट और बाइट वाला बताया था, आप 8 से डिवाइड कर लेना 1000 को 1024 को, जो स्पीड मिलेगी वो आपको मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी जो आपके मोबाइल में दिखाता है। इसके साथ जो बायर्स हैं उनको एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा अमेज़ॉन प्राइम के लिए, और 3 महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और Z5 और एयरटेल एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन तो आपको अनलिमिटेड मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मैंने शुरू में ही बताया था आपको, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो एयरटेल का ऑफ़र है वो आता है 999 रुपये में, और ये इक्विवेलेंट आप कह सकते हो जो जियो फाइबर देता है आपका सिल्वर प्लान के साथ, जिस प्लान को मैं यूज़ करता हूँ, जिस प्लान के बारे में मैंने काफ़ी सारी बातें आप लोगों को बताई भी हैं। जो 899 रुपये में वो देते हैं और GST के बाद वो 1001 रुपये के आसपास हो जाता है, तो वो प्लान इनका इसके इक्विवेलेंट आता है। तो उसके तहत जो भी चीज़ें मिल रही थी उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये 999 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनका प्लान आता है, जिसमें आपको 300 GB का डेटा मिलेगा और स्पीड इसकी होगी 200 MBPS। इसके साथ भी आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा नेटफ्लिक्स का, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अमेज़ॉन प्राइम का, और Z5 और एयरटेल एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज़ जो मुझे इनकी लगी वो इनके बेसिक प्लान में इनका सब्सक्रिप्शंस नहीं थे OTT प्लेटफॉर्म के, लेकिन जियो फाइबर ने अपने 699 रुपये वाले बेसिक प्लान के साथ भी सब्सक्रिप्शन रखा था। तो एक चीज़ ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अटपटी लगी और मैं चाहता था आप लोगों से शेयर करूँ, तो ये चीज़ तो कुछ खास अच्छी लगी नहीं मुझे। तो यार अब आ गए हैं हम जियो फाइबर के लिए, तो अब जियो फाइबर के बारे में बतिया लेते हैं, थोड़ा जियो फाइबर के बारे में जान लेते हैं। जियो फाइबर जैसे कि मैंने आपको बताया एयरटेल में, जियो फाइबर भी आता है अलग अलग कैटेगरीज के साथ, लेकिन ये आता है 6 कैटेगरीज के साथ, जिनमें ब्रॉन्ज पहली कैटेगरी, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, मतलब सारे के सारे एक्सपेंसिव चीज़ों के नाम लाके रख दिए इन्होंने। तो जो आपको हर प्लान में एक समानता मिलती है जिस चीज़ की, वो मिलती है कि अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग पूरे भारत में आप कर सकते हो, TV से वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, मतलब 2500 से 3000 रुपए के आसपास आपको वो वेबकैम मिल जाएगा, उसको यूज़ करके आप कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। और आपको ये कहते हैं कि 0 latency गेमिंग, जो कि कुछ चलिए ठीक है, कुछ खास सही नहीं है इस बारे में। और ये कहते हैं कि बेसिकली फ्री रोम वर्चुअली रियलिटी एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, और ये आपको किस में मिलेगा, 1200 रुपये पर ईयर का। जो इनके में एक चीज़ अच्छी प्लान की लगी मुझे वो ये लगी कि आपको होम डिवाइस की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, 5 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं आपके 999 रुपये पर साल के हिसाब से, और नॉर्टन की सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो इनका सबसे सस्ता प्लान है वो आता है आपका ब्रॉन्ज प्लान, और इसका MRP है 699 रुपये पर मंथ, जो कि उनके बेसिक प्लान के इक्विवेलेंट है, लेकिन बेसिक प्लान उनका 100 रुपये एक्स्ट्रा का आता है, वो 799 है, ये 699 है। ये आपको 150 GB डेटा ऑफ़र करता है और 100 MBPS के साथ ऑफ़र करता है, और 3 महीने का OTT आपको यूज़ करने को मिलता है इन विद जियो सावन एंड जियो सिनेमा, ठीक है। और उसके बाद जो इनका मोस्ट एक्सपेंसिव प्लान है वो आता है आपका 8,999 रुपये में, और उनका मोस्ट एक्सपेंसिव प्लान था 3,999 रुपये, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरी
इसमें राइटिंग खराब है, ठीक है। और इसके साथ आपको मिलता है 500 GB का इंटरनेट डेटा और 1 GB पर सेकंड की स्पीड। एक चीज़ यहाँ पे मुझे कमी लगी कि ये अनलिमिटेड नहीं दे रहे हैं, इतने महंगे रिचार्ज के बाद भी। अब वो डेटा कोई ख़त्म कर लेता है या नहीं कर लेता है, हो सकता है कोई स्ट्रीमिंग करता हो, कोई गेम की स्ट्रीमिंग करता हो, तो उससे आराम से ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन गेम की स्ट्रीमिंग यार जियो के साथ मुश्किल ही है, मतलब अपलोडिंग स्पीड इतनी धांसू दे रहा है 8 Mbps की, तो आप स्ट्रीम तो बहुत अच्छे से ही कर लोगे। मतलब ये भाई टॉन्ट था, अगर किसी को समझ ना आया हो तो बता दूँ आपको पहले ही, ठीक है। तो अनलिमिटेड डेटा तो एक्सपेक्टेड था इस प्लान पे आपको, लेकिन अब वो नहीं दे रहे हैं, तो अब इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। तो जी अब आते हैं इस बात पे कि जो इनका कहना है कि आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवीज़ मिलेंगी, स्पेशल स्पोर्ट्स कॉन्टेंट्स मिलेंगे, और ये सिर्फ मिलेगा आपको पर्टिकुलर प्लान्स के साथ, ये सबके साथ नहीं मिलेगा। ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई जो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन वाली, वो आपको हर प्लान के साथ मिलेगी, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। उसमें मतलब बड़े बच्चे को उतना ही प्यार दिया है, छोटे बच्चे को भी उतना ही प्यार दिया है, लेकिन यहाँ पे जो आपको सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं ये लोग, वो आपको सिर्फ बड़े बच्चे के साथ मिलेगा। मतलब बड़े प्लान के साथ आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, जो OTT एप्लीकेशंस होंगे, हॉटस्टार, सोनी लिव, वो जियो सिनेमा, इन सब का जो अनलिमिटेड एक्सेस है वो आपको बड़े प्लान के साथ मिलेगा, मतलब इनके बड़े बेटे के साथ मिलेगा, बड़े बच्चे के साथ मिलेगा, ठीक है। जो VR हेडसेट है, मतलब आपने YouTube पे भी देखा होगा, वो जो लगाते नहीं आँख के सामने, ऐसा गोल सा लगाते हैं जिससे ऐसा लगता है बस सामने ही चीज़ हो रही है, वही जो हो रही है, जो गेमिंग चल रही है या पिक्चर चल रही है एकदम सामने चल रही है। यूट्यूब भी ऐसा ऑप्शन आपको देता है, और ये जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मतलब हॉटस्टार में तो ऐसा है ही कि जो मूवी आएगी आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिल जाएगी, ऐसा हॉटस्टार वाले कहते हैं। और जो भी TV सीरियल हैं वो लाइव टेलीकास्ट होने से पहले आपको, अगर शाम को 8:30 बजे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो उससे पहले सुबह 6 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। का सबसे यूज़र फ्रेंडली प्लान जो है, जो जियो कहता है, वो है 1299 रुपये पर मंथ का गोल्ड प्लान, ठीक है। सोने वाला प्लान इनका सबसे यूज़र फ्रेंडली प्लान है इनके हिसाब से, और जिसमें आपको 750 GB का डेटा मिलता है, और इसको यूटिलाइज़ करने के लिए जो आपको स्पीड मिलती है वो 250 Mbps की है, ठीक है। और इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है OTT एप्लीकेशंस का, जैसे हॉटस्टार, सोनी लिव, वूट, जियो सिनेमा, Z5, मतलब इस टाइप के जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनका आपको 100% अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। तो ये बात हो जाती है इन दोनों के कंपैरिजन की। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कंपैरिजन आपको करना है, क्या कंपैरिजन नहीं करना है। मैं एक एक प्लान को लेके नहीं चल रहा था, मैंने आपको इनके मैक्सिमम प्लान बता दिए, इनका मिनिमम प्लान बता दिया, उसके बाद मैंने आपको इनका जो दोनों कंपनी के हिसाब से दोनों का यूजर फ्रेंडली प्लान था वो बता दिया, उसके साथ आपको कितना डेटा, कितनी स्पीड मिल जाएगी, और सबसे जरूरी जो हम लोग को जरूरी लगता है वो होता है OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे OTT प्लेटफॉर्म के आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट अगर आपको बच गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ लीजिए। तो दोस्तों ये था पूरा कंपैरिजन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। अगर ज्यादा अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सपोर्ट तो देना बनता है यार, इतनी मेहनत करते हैं सब लोग, सबको सपोर्ट दो, सब कम्युनिटी को सपोर्ट दो, आप भी बहुत आगे बढ़ो, सब लोग आगे बढ़ें, यही उम्मीद है। तो यार थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू।